एम्स कल्याणी को आप देख सकते हो, यहाँ पे अलॉटेड कैटेगरी है, ये राउंड वन का है, राउंड टू का है, ये राउंड थ्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जनरल कैटेगरी के लिए जो राउंड वन में है वो 676 स्कोर पे मिल गया था, एंड राउंड टू में 675 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ, यहाँ पे भी 675। ओबीसी कैटेगरी के लिए उसी तरह देख सकते हो कि 685 पे फर्स्ट राउंड में मिला है, सेकेंड राउंड में 665 पे मिला है, थर्ड राउंड में 665 पे मिला है। एसटी कैटेगरी के लिए जो है 592 पे मिला है सेकेंड राउंड में, वही फर्स्ट राउंड में 561 पे मिला है। नीचे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के सारे मार्क्स दिए गए हैं, चाहो तो देख लो। वीडियो को पॉज करके आप बात कर रहे थे कि 2024 में एम्स कल्याणी का क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, तो 2024 में एक अगर आप एम्स कल्याणी को टारगेट कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी से हो तो 680 प्लस स्कोर करना, ईडब्ल्यूएस से हो तो 665 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना, ओबीसी से हो तो 670 प्लस लाना, तो इजीली एम्स देवघर मतलब एम्स कल्याणी मिल जाएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी से हो तो 620 प्लस स्कोर करना, एसटी कैटेगरी से हो तो 590 अगर प्लस स्कोर करते हो तो इजीली आपको एम्स कल्याणी मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और ये आप नहीं सॉरी ये टेलीग्राम है और ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्यूआर कोड मतलब कि ये जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का है, ठीक है। तो अगर मतलब ये एक स्टूडेंट चैट ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बात कर सकते हो, तो आपके जैसे ही बाकी सब भी स्टूडेंट हैं और हम तो हैं ही, तो मतलब एक दूसरे का प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करते हैं, बाकी स्टूडेंट कुछ अगर डाउट रहता है तो, ठीक है, जैसे काउंसलिंग से रिलेटेड या और कुछ भी हो तो सब बाकी सब सब वहाँ पे तो स्टूडेंट ही है, तो ये टेलीग्राम चैट ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे बात कर सकते हो बाकी स्टूडेंट भी हो। यहाँ पे ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, चाहे तो फॉलो कर लेना और कुछ काम हो तो बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो। और हाँ, एक और बात कि बस कुछ नहीं, वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे, बाकी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी टिल देन सी यू द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।